हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप एडोबी फोटोशॉप के अंदर 3D लट्स फाइल को क्रिएट करेंगे और उस फिल्टर को आप जो है अपनी वीडियोस के अंदर, फोटोज के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस फिल्टर को क्रिएट करने से पहले हमें मोटो पता होना चाहिए कि हम उस फोटो के अंदर या उस वीडियो के अंदर कहाँ कहाँ पर कलर करेक्शन करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इस फोटो को जैसे आप देख सकते हैं इस टाइम स्क्रीन पे, इस फोटो के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो मॉडल ने ड्रेस पहनी है रेड कलर की, इसका कलर टोन मैं चेंज करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि 3D लट फाइल में आखिरकार हम फिल्टर को कैसे क्रिएट करते हैं, मेन पर्पस क्या होता है, ताकि इस फिल्टर को अगर मैं किसी और फोटो पर अप्लाई करूँ तो सेम आउटपुट जो है मेरे को मिलना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स इस फिल्टर को क्रिएट करने का। चाहे आप 1 कर लीजिए, चाहे 1000 कर लीजिए, कोई भी फ़ायदा जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसका कलर का, जो ड्रेस का कलर है, वो चेंज करना चाहता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस, एक्सपोजर और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो है चेंज करना चाहता हूँ। और उसके बाद इस फिल्टर को क्रिएट करूँगा और देखेंगे कैसे नेक्स्ट इमेज पे इस फिल्टर का हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक मिस्टर बॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इस फिल्टर को क्रिएट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको कोई भी काम करना है तो आपको सारा का सारा काम एडजस्टमेंट लेयर में करना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप इस इमेज में या किसी भी इमेज में आप यहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं तो फ्रेंड्स कोई भी फ़ायदा जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पोर्शन को तो आप अगर इस फिल्टर को क्रिएट कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि यहाँ से आपको कोई चीज़ यूज़ करनी है, सारा का सारा काम हमें एडजस्टमेंट लेयर के अंदर ही करना है। तो सबसे पहले हम इसकी ड्रेस को चेंज करते हैं, तो उसके लिए ह्यू सैचुरेशन लेयर को हम यहाँ क्रिएट करते हैं। ड्रेस का कलर जो है रेड है, तो यहाँ पर मैं सिंपली मास्टर ना करके सीधे रेड टोन को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी ड्रेस को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इसके ड्रेस के कलर को। ठीक है, यहाँ पर मैं सैचुरेशन थोड़ा सा कम करूँगा और लाइट को भी थोड़ा सा कम करूँगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी इमेज के अकॉर्डिंग जैसा भी फिल्टर बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने ये करेक्शन जो है इस फोटो के अंदर किया अभी फ़िलहाल। अब मेरे को जो है यहाँ पे ब्राइटनेस को और कॉन्ट्रास्ट को देखना है, तो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट लेयर में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा इनक्रीज़ करता हूँ और कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ ब्राइटनेस से ज़्यादा रखूँगा। ठीक है, 32 मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रखा है और ब्राइटनेस का लेवल जो है 29 रखा है। ठीक है, इसके बाद मेरे को कर देना है इसको बंद। अब इसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक्सपोज़र पे एक नई एक्सपोज़र लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोज़र जो है मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ इमेज में, बिल्कुल थोड़ा सा, और गामा करेक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इंक्रीज़ कर दिया और इसको भी यहाँ पर बंद कर दिया। हमारा जो करेक्शन है इस फोटो में कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने ह्यू सैचुरेशन में कलर चेंज किया है, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट में हमने यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज की है और एक्सपोज़र कंट्रोल किया है थोड़ा सा। ठीक है, यही चीज़ मैं इस 3D लट फाइल में क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट नाम का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको कलर लुकअप टेबल नाम की ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे मिस्टर बॉट लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी फॉर्मेट आप निकालना चाहते हैं .3DL, क्यूब, CSP या ICC प्रोफाइल, तो सारे फॉर्मेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ क्यूब फाइल लेना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो वैल्यू है फ्रेंड्स, यहाँ पर 64 ही रखिएगा, इससे ज़्यादा हाई मत कीजिएगा। ठीक है, वरना आपका सिस्टम जो है लोड ले सकता है, अगर लो कॉन्फ़िगरेशन का होगा तो। हायर होगा तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लो कॉन्फ़िगरेशन वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फ़िल्टर भी चलेगा नहीं। तो यहाँ पे 64 इनफ है और इसको मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर देता हूँ। अब ये मेरे को सेव करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर को पर्पल में चेंज किया है, तो यहाँ पर मैं अपने आप को समझाने के लिए यहाँ पर रेड टू पर्पल टोन कर देता हूँ, रेड टू पर्पल टोन, इस नाम से मैंने इस फिल्टर को यहाँ पे सेव कर देता हूँ, इस लट फाइल को। ठीक है, अब ये देख सकते हैं सेव हो रही है, अब ये सेव हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी एडोबी फोटोशॉप के अंदर एक नई इमेज ओपन करता हूँ जिसमें मॉडल ने सेम ऐसी ही ड्रेस पहनी हो। ठीक है, रेड कलर की ड्रेस यहाँ पे इस मॉडल ने पहनी हुई है इस फोटो के अंदर,
अब देखना है जो हमने यहाँ पे कलर करेक्शन किया था वही कलर करेक्शन हमें इस फोटो पे अप्लाई करना है, वो भी 3D LUT फाइल की हेल्प से। तो इसके लिए आपको एडजस्टमेंट लेयर में जाना है, कलर लुकअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3D LUT फाइल जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे तो आपको आपकी फ़ाइल नहीं दिखेगी, ठीक है, आपको पहले लोड करना होगा। यहाँ पे मैं लोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इमेजेस के अंदर मैंने सेव किया था, तो रेड टू प्योर क्यूब के नाम से फाइल आ गई है, इसको मैं लोड कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स मैजिक, वो जो फ़िल्टर है हमने उस फोटो पे अप्लाई किया था वो फ़िल्टर अब हमारा इस इमेज पे अप्लाई हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ आपने जो जो टोन वहाँ पे सिलेक्ट किया था आप बताना चाह रहे थे कि मेरे को ये करना है, सेम वही चीज़ आपने यहाँ पे इस इमेज में कर दी है। तो देखा आपने हमने कैसे जो है इस फाइल को क्रिएट किया और हमने यहाँ पे नेक्स्ट इमेज पे इसको अप्लाई कर दिया। अब मेन बात यहाँ पे एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ पे जब मैंने इस फाइल को क्रिएट किया तो 3D LUT फाइल में यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे को देखने को नहीं मिला जो मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट करी थी। अब मेरे को इस फाइल को यहाँ पे देखना है, यहाँ मैं कैसे लाऊँ? तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने Adobe Photoshop को बंद करना होगा। तो मैं यहाँ पे Photoshop को बंद कर देता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी फाइल जो है सेव नहीं करना चाहता और मेरा Adobe Photoshop है बंद हो गया। अब ये जो फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट करी थी इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं फ़ोटोशॉप को अपने सिस्टम पे सर्च करूँगा, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओपन फाइल लोकेशन, इसकी फ़ाइल लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके बाद भी आपको यहाँ पे जो है राइट क्लिक करना है और इसमें ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इसके टॉप में जाना है सबसे ऊपर और यहाँ पर आपको फोल्डर देखने को मिलेगा प्रीसेट्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फोल्डर देखने को मिलेंगे लेकिन आपको सिर्फ 3D LUTs के अंदर ही क्लिक करना है। मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ। अब मैंने वहाँ से जो फाइल क्रिएट करी थी उसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एडमिन परमिशन मांगेगा, आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब ये देखिए फाइल यहाँ पे आ गई है, रेड टू प्योर टोन, ठीक है। अब मैं इसको Adobe Photoshop को ओपन करता हूँ और इस फाइल को वहाँ पर किसी और इमेज पर अप्लाई करता हूँ। तो देखते हैं कि हमें क्या इफ़ेक्ट जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि Adobe Photoshop जो है ओपन हो गया है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एक इमेज को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे मैं इस रोज़ की इमेज को जो है यहां ओपन कर लेता हूं। अब इसके अंदर मेरे को फ़िल्टर अप्लाई करना है तो सिंपली एडजस्टमेंट लेयर में जाना है, कलर लुकअप पे क्लिक करना है और यहीं पर आपको जो है ये फ़िल्टर देखने को मिल जाएगा, रेड टू प्योर टोन। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और जो है देखिए मैजिक। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि हमने जो है जो कलर टोन हमने चेंजेस किए थे हमें पता था कि सिर्फ वहीं वहीं यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। ये हमें पता था इस फाइल को क्रिएट करने से पहले, तो इसलिए हमें वो एडजस्टमेंट्स जो है कलर के काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप किसी भी कलर को जो है अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे तरह के आप जो है LUTs फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने आज की हम इस वीडियो में कितनी अच्छी चीज़ को हमने जाना। इस चीज़ का यूज़ करके जो है आप अपनी फ़ोटोशॉप की फ़ोटोग्राफी को लेवल को जो है काफ़ी हद तक जो है बूस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है ये सब इफ़ेक्ट्स अगर आप पहले से प्रीसेट बना के रख लें। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी फोटोशॉप में अगर आप हमारे वीडियो को देख के कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर पोस्ट करते हैं, तो हमें भी आप टैग कर दिया कीजिए। अगर हमें आपके बनाया हुआ पोस्ट अगर अच्छा लगा तो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उसे आपके नाम के साथ जो हूँ टैग करके ज़रूर पोस्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।